बरनाला शहर के बाहर बने पोल्ट्री फार्मों की बदबू ने जहां आसपास के गांवों में परेशानी पैदा की हुई है, वहीं इन पोल्ट्री फार्मों से उठती गंदी मक्खियों ने आम लोगों का जीना दुश्वार किया हुआ है। इन गंदी मक्खियों से परेशान जिले के गांव जलूर, सेखा, करमगढ़, नंगल और हठूर के गांव निवासियों की तरफ से आज बरनाला लुधियाना सड़क पर जाम लगाकर रोज धरना दिया गया। धरना दे रहे पांचों गांवों के इन लोगों का कहना है कि पिछले दिनों में गंदी मक्खियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि उनका खाना पीना भी दुश्वार हुआ पड़ा है। मक्खियों की भरमार ने लोगों के घरों के आंगन भर दिए हैं। उनका कहना है कि गंदी मक्खियों के कारण जहां महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है, वहीं पशुओं को भी कई बीमारियां लगने का खतरा है। उन्होंने बताया कि इस पोल्ट्री फार्म की समस्या बाबत वे कई बार प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच कर चुके हैं, पर उनकी समस्या का हल न होने के कारण वे आखिर धरना लगाने के लिए मजबूर हुए हैं। इस मामले संबंधी डिप्टी कमिश्नर बरनाला का कहना है कि मामला उनके ध्यान में है और पोल्ट्री फार्मों की जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और आम लोगों को मक्खियों की समस्या से जल्द निजात दिला दी जाएगी। आजाद टीवी न्यूज के लिए बरनाला से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। असि जी पिंड जलूर, पिंड सेखा, करमगढ़, नंगल, ठोलेवाल, साढ़े जी पांच पिंड ने जोड़े ये 2-3 किलोमीटर के रेडियस ने जी बरनाले डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल नाल, जिहड़ियां जी पंजाब सरकार के रूल एंड रेगूलेशन ने उन्होंने उल्ट शरेआम धज्जियां उड़ा के झूठ बोल के पिंड के लोगों को पोल्ट्री फार्म लगाए गए हैं जी। एक एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार पोल्ट्री फार्म एक एक पिंड दे विच होए पए आ। पहली गल तो जी ये गंदगी का मुश्क आ, चलो सारा पिंड उस चीज़ को सहन कर गया, कोई बोलिया नहीं जी। हुण पिछले 7-8 महीनों तो जी इन्नी क मक्खी आ, गंदी मक्खी इन्नी आ कि जानवरों का भी बुरा हाल आ, बुढ़िया का भी बुरा हाल आ, आम लोगों का बुरा हाल आ। जाली तो बिना कोई बह नहीं सकता, तुसी बेड़े च बह के चाह नहीं पी सकते। जे साडी किसे गल ते यकीन नहीं हैगा, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी साडे बेड़े च बह के चाह पी के दिखा दे, असीं अगे तो कोई प्रोटेस्ट नहीं करते। दूसरी गल आ जी, साडे जानवरों के थोड़ी बहुत भी सट वजदी आ, धार असीं नहीं कढ सकते, बाल्टी मक्खियों नाल भर जांदी आ, जानवर मक्खियां खाण नूं मजबूर ने, उही असीं दुध पीने आ। हरेक घर च है जिहदा एक एक दो दो पेशेंट हरेक घर च ने। हुण जी बिल्कुल असीं अक के, असीं पोल्यूशन बोर्ड नूं कंप्लेंटा पा के, सीएम साहब नूं कंप्लेंटा पा के बिल्कुल अक गए हाँ। साडी सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई जी, क्योंकि शरेआम धज्जियां उड़ाइया ने, रूल एंड रेगूलेशन के बिल्कुल खिलाफ लगे हुए ने। सर मामला यह है, देखो तुम आए हो, अपनी गड्डी भी खड़ी हुई है, देख लो एक हले आके रुकी है, कि मक्खी ये बैठी है, रोटी खाने भी बिच डिगे ने मक्खियाँ, चाह नहीं पी सकते, रोटी नहीं खा सकते। होर तो और कोई बाहरों बंदा पहला इतने साढ़े को आते, अगला जी नहीं करता जान में, हम बंद एक मिनट नहीं लोगों के लिए तैयार नहीं करा भी इतने भी कितने गंद से बैठ के बड़े हो। आ बिल्कुल नाल ही देखो साढ़े नज़दीक अद्धा किलोमीटर दूर है, एक दो किलोमीटर की बाही नहीं है जी, जिते अपने पोल्ट्री फार्म बन रहे हैं। आसे पास कोई इन्होंने मंजूरी नहीं लेती किसी तो जी, कुछ भी नहीं लेता, जिन्हें भी साढ़े रहायसी ये हूँ बने नहीं, सानू 40-40 साल हो गए। आ सामने पोल्ट्री फार्म तैयार हुई है, पहला कोई दिक्कत नहीं सी, जो उन्होंने पोल्ट्री फार्म बने ने अपनी सारी अपनी मुर्गी पाई है, उदों तो ही मक्खी बन रही है जी। हूँ भी सर इतने खड़ नहीं होंगे, जानी कि कोई भी बंदा बाहरों आता बस रोकने लिए अगला होता मजबूर होता, अगला कहना नहीं सर अं जाना। पिंड जलूर के नगर निवासियों वालों उत्ते पिंड की आबादी के ला नेड़े कुछ पोल्ट्री फार्मा दे द्वारा पैदा हो रही मक्खियों की गंदगी के संबंध में अपना प्रदर्शन कर रहे सी। इस दे संबंधी पुलिस प्रशासन वालों से अपना मुढ़ला फर्ज समझदे हुए इन्हां दी मोतबर व्यक्तियों की तहसीलदार साहब के नाल भी मैमोरेंडम भी दवाता, तो असी इस संबंधी जी क्योंकि इसका सीधा संबंध पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आ, उन्होंने SDO साहब के नाल भी गलबात करके इन्हों की दरखास्त भी उत्थे ईमेल द्वारा भजाती, तो उन्होंने सानू आश्वासन दिता भी सवेरे उत्थे एक्सीन साहब ना भी गल हुई, तो SDO साहब ना भी उन्होंने आश्वासन दिता भी कल उन्होंने जोड़े अफसर आ वो मौका देख के जो भी लोड़ी की कार्रवाई अमल के लैके आने। ये मेरे नोटिस पहले एक दिन लिया गई सी गल कि पोल्ट्री फार्मा दे विच जिहड़े ने जिते लगे हुए ने उत्थे आले दुआले मक्खी बहुत ज़्यादा तादाद विच हैगी है। मैं ऑलरेडी SDO नूं कहा हैगा कि पूरा सर्वे कराया जाए कि अपने कितने कितने पोल्ट्री फार्म ने, तो किस तरह की तो प्रॉब्लम का हल किया जा सकता है। वी आर इशूइंग वेरी शॉर्टली इंस्ट्रक्शनस टू ऑल पोल्ट्री फार्म ओनरस कि भी मक्खियों का जो है प्रबंध कर, ताकि लोगों नाल वाले जिहड़े इलाके के बंदे ने उन्हें कोई परेशान लगा। आई विल लुक इनटू, मैं आप इसका ध्यान करांगा और सारे की हदायत तक जारी करांगा कि वो
ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ।